चल ठीक है सुहेला, बाय बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यार आज दिन का सबसे पहला काम है कपड़े वॉश करना, तो ये कपड़े शपड़े मैंने निकाल के रख लिए हैं। काफी दिनों से भाई मैं सोच रहा था दूंगा इनको, लेकिन पेंडिंग हो ही जा रहा था। अभी इनको मशीन में डालते हैं। यार अभी नाश्ते की कार्रवाई करते हैं, बहुत ज्यादा भूख लग गई आपके भाई को। अपने पास है जी चावल, सालन तो खत्म हो गया भाई। फ्रिज में देखते हैं क्या कुछ सीन है, यहाँ पे भी चावल ही चावल। यार घर में तो कुछ नहीं है खाने पीने का, बाहर चल के लेके आते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर खराब है। ये चेक कर रहे हो, -13 टेम्परेचर है बाहर और स्नोफॉल हो रही है। लेकिन जाना तो पड़ेगा, अपना टिड खाली है तो भाई साहब इसकी खातिर कुछ भी। यार रेडी हो गया हूँ मैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे सारे कपड़े धुलने के लिए पड़े हैं। आप लोगों ने देखा आगे तो ये पैंटी मुझे पहननी पड़ी और इसका गोड़ा फटा हुआ है। यार मैंने कहा बाहर तो जा रहा हूँ लगे हाथ, मैस का भी सामान ले आते हैं। तो भाई साहब फराज से ये मंगवाए हैं मैंने पैसे, 7,000 टेंगे, 7,000 इसमें अपना डालूंगा और भाई साहब मैस का भी सामान हम ले आएंगे। आप लोगों को नीचे चल के बताता हूँ हमारी मैस की मैनेजमेंट कैसी होती है, हम कैसे पैसे वैसे देते हैं, A to Z सारा बताऊंगा। अभी आप लोगों को अपना मैस का सिस्टम बताता हूँ कि हम चलाते कैसे हैं उसको। हर किसी ने भाई साहब 25-30,000 टेंगे देना होता है हर महीने। ये एक फिक्स अमाउंट है, इससे ज़्यादा भी हो जाती है, समटाइम्स कम भी हो जाती है। तो इसमें सारा सिस्टम अपना चलता जाता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ डिनर मिलता है, एक टाइम का खाना सिर्फ मिलता है, रात के टाइम जो हम मिलके बनाते हैं। बाकी हर किसी ने अपना ब्रेकफास्ट का अलग सीन किया होता है, वो अलग से अपना 10-15-20,000 रुपए का लेके आता है हर महीने सिस्टम, ठीक है। मतलब आप समझ लें कि सुबह का नाश्ता और रात का खाना हमें कोई ऑलमोस्ट पड़ जाता है 45-50,000 टेंगे में एक बंदे का एटलीस्ट। और रही खाना बनाने की बात, तो वो आपको पता है कि हमारे 3-4 बंदे लगे हुए हैं, ठीक है, वो बनाते हैं हर दिन, किसी ना किसी की बारी होती है। जैसे आज ताहिर जी की बारी है, कल होगी अपना मेरी बारी, फिर उसके बाद सुहेल की बारी, फिर उसके बाद यादव की बारी। यादव तो इंडिया गया हुआ है तो उसकी जगह हम 3 ही ऑपरेट कर रहे हैं। और बर्तन धोने के लिए अपने पास 2 बंदे हैं, एक फराज और एक सुहेल। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मोस्टली वही करते हैं ये। यार अभी मेरे हाथ जम रहे हैं तो फोन को मैं रख रहा हूँ पॉकेट में, वहाँ पे लोकेशन पे जाके फिर बनाऊंगा वीडियो। A few moments later. यार मेरा प्लान था बड़े मार्केट में जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे यूरोस पार्क पे आ गया हूँ, हम यहाँ से सामान लेंगे बिकॉज बहुत ज्यादा सर्दी है और स्नोफॉल इतना हैवी हो रहा है, मेरे को सामान उठाना पड़ना है और लाइक बहुत ज्यादा सफर वो बन जाता है। तो यहाँ से ये सामने बस स्टेशन है, यहाँ से पकड़ के अपना सीधा हम घर को जाएंगे। यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे बहुत ही महंगा हुआ पड़ा है सिस्टम, ये देख रहे हो 640 रुपए का धनिया, ये मुझे ग्रीन बाजार से कुछ 200 रुपए का पड़ता है। देखते हैं यहाँ से क्या क्या सामान उठाना है, अगर मुझे ग्रीन बाजार जाना पड़ा तो वहाँ पे जाऊंगा बिकॉज वहाँ पे सस्ता सामान है। यार बर्गर देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये चेक कर रहे हो, दिखने में तो मजे का लेकिन मुझे पता है मजे का नहीं होगा, इनका चिकन हम नहीं खा सकते। और यहाँ पे आंटी पिज्जे भी बना रही है फ्रेश, और भाई साहब ये भी लगे हुए हैं, तो ये वाला मेरा दिल कर रहा है ले लूं। चाहे यहाँ पे सामान महंगा लेकिन यहाँ पे घूमने का बड़ा मजा आता है। यार यहाँ पे मुझे फिश स्ट्रिप्स नजर आई है, ये चेक करो जी, तो हम ये भी ले लेंगे। और यहाँ पे ये चेक करो सिपियां लगी है, ये कैसी होती है, स्मेल करके देखता हूँ। एक लेते हैं जी बटर, देसी अंडे मुझे नजर आए हैं, ये ले लेते हैं। यार यहाँ पे शवारमे लग रहे हैं, वो देख रहे हो सामने, फुल पाकिस्तानी माहौल उन्होंने किया और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं भाई साहब, बिकॉज इससे भी शानदार चीज मैं घर पे बना के खाऊंगा, ठीक है। तो यार अभी ले रहा हूँ अपना कीमा शीमा, ठीक है, वो दादी पैक कर रही है, इसके बाद चलेंगे जलोनी, वहाँ से हमें कुछ सामान उठाना रहेगा, सब्जियाँ बिकॉज सब्जियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यार ये वाले सेक्शन पे आ गए, मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी है। ये चेक कर रहे हो, ब्लैक लेबल, वैलेंटाइन, पासपोर्ट स्कॉच, जेम्सन, लेकिन भाई साहब ये हराम है तो हम नहीं यूज करते, शरीफ आदमी हूँ घर वालों की नज़रों में, समझ रहे हो, समझ रहे हो। यार अभी अपने सामान को स्कैन करते हैं यहाँ पे इस मशीन पे, फिर उसके बाद निकलेंगे ग्रीन मार्केट, वहाँ से सब्जियाँ लाएंगे। यार सामान को मैंने इस लॉकर में रख दिया है,
अभी भाई साहब आते वक्त इसको उठा लूंगा। One hour later. यार ये सामान हमने ले लिया है, एक गोभी, फिर उसके बाद लहसुन अदरक पालक और ये मिर्ची विर्ची। यार अभी मार्केट में घूम रहा था तो ये शहद वाली शॉप पे आया हूँ और भाई साहब आंटी मुझे चेक करा रही है कि भाई साहब खा के बताओ कैसा है, फिर खरीद लेना इसको। फ्रेश है तो यार सामान मैंने सारा खरीद लिया है। ये चेक करो जी, चावल भी हो गए, सब्जियां भी हो गई, ठीक है। चावल के साथ ये अपने गिफ्ट मिल गया है और भाई इस शॉप से मिला है, ठीक है ना। 54 यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ भाई मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट दे देते हैं, मसाले वसाले दिस एंड डैट। खैर अभी निकलते हैं घर को, घर को तो नहीं जाएंगे, अपना सामान वहाँ पे पड़ा है कुछ वो ले लेंगे। यार घर आ गया हूँ मैं और बाहर इतनी गंदी वाली सर्दी है ना भाई, मेरे हाथ ये देखो मतलब नीले पड़ गए मेरे हाथ, इतनी ज्यादा सर्दी है और इसने -25 तक जाना है आज रात को। आज की सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि मैं बाहर गया हूँ और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि भाई साहब मैं जलोनी चला गया हूँ और तीसरी सबसे बड़ी गलती हुई है कि भाई मुझे थोड़ा सा सामान लेना था, मैंने बहुत ज्यादा उठा लिया, मेरे हाथ खत्म हो गए हैं, लाइक फील ही नहीं हो रहे यार। खत्म। यार अभी टाइम हो रहा है रात के 11 और अपना डिनर भी बन गया है। डिनर में अपने पास है ये बकरे की कलेजी, दिखने में क्या लेवल की लग रही है भाई, और साथ में इसके राइस पड़े हैं कल, तो यही खाएंगे भाई साहब आज। The next day. गुड मॉर्निंग जी, आपका भाई उठ चुका है, अभी टाइम हो रहा है 11 के 12 और आज भाई साहब अपना दोस्त जा रहा है घूमने फिरने किसी और कंट्री, तो बताता हूँ कौन सा दोस्त जा रहा है। ये वाला दोस्त जा रहा है। हाँ छोटू महाराज कहाँ पे जा रहे हो मेरी ऑडियंस को बताओ, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए? अलमर्टी से बाहर। कहाँ जा रहा है? जाएंगे भाई के पास। भाई के पास दुबई? सही है, आ भी आ जा। मेरे पास पैसे नहीं है टिकट के, मैं नहीं आऊंगा। गरीब बेचारा हर जगह मरता है। तो सोहेल यार बर्तन ही धो दे, बर्तन गंदे पड़े हैं, लास्ट बार धोता जा यार। बटी कुछ तो रहे कर अब लास्ट दिन। तो यार रात को फ्लाइट है सोहेल की 10 बजे, तो हम इसको जाएंगे छोड़ दें एयरपोर्ट पे क्योंकि 5-6 बजे, तो अभी फ्रेश फ्रेश होते हैं, ठीक है। आज तो सूरज भी निकला हुआ है बाहर, तो लेकिन बाहर ठंड बहुत ज्यादा है, आज बाहर धूप निकली है, तो मैं सोच रहा था किन्नो शिन्नो यस कराते हैं। ताहिर जी वो किन्नो दो में देखो, ओए होए होए भाई इसका एग्जैक्ट पाकिस्तान जैसा टेस्ट है, जैसे वो मीठे होते थे ना भाई, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे मिलेंगे लेकिन मिल गए हैं। सेम टू सेम डिटो कॉपी। यार नहा दो के आपका भाई फ्रेश हो गया और भाई साहब अभी बिरयानी की कार्रवाई चल रही है, ये चेक कर रहे हो। हम सोच रहे थे कि छोटू को अच्छा सा खाना खिला के फिर भेजते हैं, क्यों ताहिर जी सही बोल रहा हूँ मैं? यार खाना शाना रेडी हो गया, ये चेक कर रहे हो, और अपने बंदे भी यहाँ पे आ गए हैं, अभी खाना शाना खाते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद चलेंगे एयरपोर्ट छोटू को छोड़ने। हाँ छोटू अब एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, अच्छे से पैक वैक मैं हो गया हूँ, लेकिन बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है। मेरे ख्याल से ये जो मैंने पहना है ना ये भी कम है, ये चेक करो भाई -18 और फील राइट -26, तो खतरनाक सर्दी है भाई, खून जमाने वाली। खैर चलते हैं अभी, चल फराज निकलता क्यों नहीं है बेटी, निकल रहा हूँ बस चल भाई जल्दी चल भाई। सोहेल के पास लगेज के नाम पे बैग है, दिखा छोटू कौन सा है, ये वाला लेके जा रहा है जस्ट। और भाई स्वैग चेक कर रहे हो, मर्सिडीज आई है, पुराने मॉडल की है लेकिन कोई बात नहीं भाई, मर्सिडीज तो है। यार अभी एयरपोर्ट आ गए हैं, थोड़ा सा लेट हम हो गए, तो भाई साहब छोटू गया हुआ है चेक इन कराने, मैं और फराज यहाँ पे रुके हुए हैं, थोड़ा सा वेट हम कर रहे हैं, चेक इन करवा के वो वापस आता है, फिर उसको सलाम दुआ लेते हैं अच्छे से, खुदा हाफिज कहते हैं। यार सोहेल ने बोर्डिंग शॉर्टिंग करवा ली है, अभी भाई साहब को अलविदा कहते हैं, ठीक है सोहेला मिलते हैं फिर। यार अभी चलते हैं घर, ये चेक करो जी कितनी ज्यादा ट्रैफिक है, अपनी गाड़ी क्या है फराज? टैक्सी अपने को अपनी मिल गई और व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो यार लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तू भी बाय कर दे भाई।